अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन का। मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन में कितने लोग आ गए हैं? अच्छा चलो थोड़ा वेट कर लो, बाकी लोग भी आ रहे हैं। अच्छा भाई, जो हम लोग पढ़ रहे थे मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन, जिसमें मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल मतलब लड़कियों के लिए बड़ा होता है ना कि हम लोगों ने एक अच्छा सा नया सा सूट लेके आना है, ऐसा लेके आना है, वैसा लेके आना है। अगर आपने बहुत महंगा सा किसी ब्रांडेड शॉप से लिया हो तो आपको वो जो साइड पे छोटा सा सुराख होगा ना, अब हो सकता है कि वो सुराख आपके डिजाइन पे किसी तरह से कोई इफेक्ट ना डाल रहा हो और इवन किसी को उसका पता भी ना लग रहा हो, लेकिन आपके लिए मैम सुराख मैम छोटा। स्क्रीन शो कर दे। जी जी बच्चों, अच्छा मैं करती हूँ। मैम अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि अब वो चीज जो हमारे लिए मतलब अगर नेगेटिव इवेंट या कुछ आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो भी जाती है या कुछ गलत हो भी जाता है, अब वो गलत होना आपके लिए इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता और उसके होने की वजह से आपको आप पे कोई अफेक्ट भी नहीं हो रहा होता। लेकिन आप बाकी सब लाइफ की चीजें छोड़ के जो अच्छा हो रहा होता है साथ, उन सब चीजों को निगलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस रख देते हैं उस नेगेटिव इवेंट पे, उस मिस हैपनिंग पे, और आपको लग रहा होता है उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देख रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि आपकी लाइफ एक छोटा सा डॉट है या लाइफ में होने वाली बाकी सब चीजें एक छोटा सा डॉट है, लेकिन वो जो एक मिस हैपनिंग हो गई है जो कि आपके लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है भी नहीं, वो आपके लिए सब कुछ है। और उसके अलावा आप बाकी सब कुछ साइड पे है और वो बस आपके लिए सब कुछ वही कुछ है। ठीक है बच्चों, आप में वो हम सब लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे या किसी ना किसी सिचुएशन में मैग्निफिकेशन, मिनिमाइजेशन है, मिसलेबलिंग है, ओवर जनरलाइजेशन है, कैटास्ट्रोफाइजिंग है, इवन जो जितनी भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, बल्कि इनके अलावा और भी बहुत सारी हैं, उन सब को किसी ना किसी मौके पे जरूर यूज कर रहे हो। उसके बाद है नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें हम सबसे ज्यादा सेल्फ ब्लेमिंग करते हैं, कोई भी चीज गलत हो रही है हमारे इर्द गिर्द या कुछ भी गलत हो गया है, किसी को कुछ नुकसान हो गया है, आपसे कुछ गलत हो गया है, या लाइफ में बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं ना, और बाज़ों का हमसे भी बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप हर चीज में आपको लग रहा होता है कि ये सब कुछ तो सिर्फ आपकी ही वजह से हो रहा है और अगर मैं ऐसा मेरी वजह से ये सब कुछ गलत हो गया, इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अब्बू अम्मी से किसी बात पे नाराज हैं या अम्मी किसी बात पे छोटे बहन भाई को डांट रही हैं तो आपको लग रहा होता है कि उसमें भी आपका ही कसूर है। अब हो सकता है कि उसमें आपका कसूर हो ही ना, लेकिन आप उन चीजों को बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में अपने ऊपर इंडोर्स कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, मतलब खुद को खामखा कसूरवार ठहरा रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आइए? अच्छा यस मैम। बच्चों, यहाँ पे हम लोग जब आपको जो मैंने स्लाइड्स भी दी हुई हैं उन स्लाइड्स में कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस के साथ साथ पर्सनलाइजेशन के साथ एक और कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस है जिसको आप देखेंगे, उसमें है शुड स्टेटमेंट। के बाज औकात हम अपनी लाइफ में बहुत जगह पे शुड की स्टेटमेंट ये तो ऐसा ही होना चाहिए, शुड या आउट टू, या ये हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, चीजें बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए,
हर चीज हमेशा टाइम पे परफेक्टली बिल्कुल ठीक तरीके से होनी चाहिए। और अगर मैम परफेक्शन चाह रहे होते हैं, परफेक्शन भी चाह रहे होते हैं, लेकिन परफेक्शन के साथ साथ आप जरूरी नहीं परफेक्शन, मतलब परफेक्शन होना अच्छी बात है, लेकिन जब परफेक्शन एक नेगेटिव वे में आप पे अफेक्ट करने लग जाए तो वहां पे जाके वो बुरी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ परफेक्शन चाहिए होती है, आप ये कह सकते हैं कि शुड स्टेटमेंट होती है कि ये चीज है वो यहाँ पे ऐसे ही होनी चाहिए, ये चीज है इस टाइम पे होनी है तो इस टाइम पे ऐसी होनी चाहिए थी, फलां चीज अगर आपने इस तरह से खरीद ली है तो आपको एग्जैक्टली वही चीज वैसे ही मिलनी चाहिए, और अगर वो वैसे नहीं मिली तो इसका मतलब है बस सब कुछ खत्म है। इसके अलावा बच्चों हम लोग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा आप उसके साथ डील करेंगे, आपको पता अगर आप ऑब्वियसली हम आप लोगों को याद हो कि हम हमेशा इक्लेक्टिक अप्रोच यूज करते हैं। इक्लेक्टिक अप्रोच का क्या मतलब होता है भैया सेठ जरा बताएं, इकरा बताएं, चलें इकरा कोई और इकरा बता दें। अब तुम सब लोगों को कैसे चुप लग गई है बच्चों, इक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है अपने दिमाग पे जोर डालिए। मैम पॉइंट ऑफ व्यू, इक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है जो हम यूज करते हैं थेरेपी में, यस एट क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा है कि इक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है। इक्लेक्टिक पूछा है, इक्लेक्टिक ECLECTIC इक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है मैम, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करते हुए थेरेपी करना। एग्जैक्टली डिफरेंट अप्रोचेस को मतलब आप सारी अप्रोचेस को कलेक्टिवली यूज कर रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि स्पेसिफिक एक्चुअली आपके क्लाइंट को इस अप्रोच की जरूरत थी अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड, उसको कहते हैं इक्लेक्टिक अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ वो अब हम डिफरेंट अप्रोच। मैम हाँ जी हाँ जी मैम, रिमशा ऐड नहीं हो रही, उसे ऐड कर दें। मैंने उसे ऐड किया है बच्चों, पता नहीं वो क्यों नहीं हो रही, उसे के दोबारा से ट्राई करके देख ले। मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, एडमिट भी किया है, ऐड भी किया है, हो सकता है हो जाए थोड़ी देर तक। मैम वो गरीबों की तरह कह रही है मैम मुझे भी ऐड कर लें। जी जी मैं उसको ऐड कर रही हूं, बल्कि उसने मुझे 3 दफा रिक्वेस्ट की है लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं ऐड हो पा रही। वो मुझसे कह रही है मैं ऐड नहीं हो रही, मैंने कहा मैम को बोलो उसे को दोबारा ट्राई करें एक बार, शायद फिर ऐड हो जाए। अच्छा बच्चों इसके अलावा अगर आप अपने सामने अपनी कोई स्लाइड्स खोलने की कोशिश फरमाएं तो आपको पता चले कि हम लोग, चले मैं स्लाइड्स वाली जो स्क्रीन है वो शेयर करती हूँ एक मिनट। जी बच्चों नजर आ रही है सामने कुछ स्लाइड? यस मैम, क्लाइंट आ रहा होगा आपको ऑब्वियसली इंटरव्यू करके उसकी हिस्ट्री टेकिंग लेते हुए, और मतलब डिफरेंट आप यूज कर रहे होंगे टूल्स। ठीक है, तो जब आप ये सब टूल्स यूज कर रहे होंगे तो वहां पे इंटरव्यू के दौरान आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लाइंट कहाँ पे एक्चुअली कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन यूज कर रहा है। तो ऑब्वियसली आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को किसी ना किसी तरह से चैलेंज भी तो करेंगे ना, या आप क्लाइंट को कोई ना कोई होमवर्क असाइन करेंगे कि वो अपनी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को चैलेंज करे किसी ना किसी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं, आप ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट से ये कहेंगे ये सारे पॉइंट या ये सारा होमवर्क आपने एक ही दफा में नहीं उनको दे देना, इसमें से एक या दो पॉइंट्स आपने उसको देने 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए, कि जब भी कोई भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आपके माइंड में आ रही हुई हो तो आपने क्या करना है, आपने उसको इस तरह से सोचना है। जिसमें फर्स्ट वन है, अगर मैं उसको रीड आउट करूं, हाउ डू आई नो इफ दिस थॉट इज एक्यूरेट, कि वो अपने बारे में सोचे और रेट करे कि क्या ये थॉट मतलब जो वो उसके माइंड में आ रही है वो एक्यूरेट है भी या नहीं। इसके अलावा अगर आप नेट पे जाएंगे तो आपको
सीबीटी से रिलेटेड डिफरेंट फैक्ट शीट्स या रिकॉर्ड शीट या वर्कशीट्स मिलेंगी बच्चों. कुछ वर्कशीट्स मैंने भी आपको दी हुई हैं, और इस तरह वहाँ पे सारी वर्कशीट्स में आपने क्लाइंट को एक वर्कशीट बना के देनी है कि वो अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो भी आ रही है उस डिस्टॉर्शन को, उस थिंकिंग को साइड पे लिखे, फिर उसके बारे में आगे सोचे कि वो जो थिंकिंग है वो एक्यूरेट है, अगर वो एक्यूरेट है तो किस तरह से, ठीक है. उसके बाद सेकेंड वन है कि व्हाट एविडेंस डू आई हैव टू सपोर्ट दिस थॉट और बिलीफ, कि मेरे पास अपनी इस थिंकिंग को, अपने इस बिलीव को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से प्रूफ है. तो वहां पे जब क्लाइंट ये सारे काम कर रहा होगा तो थोड़ी देर के लिए, एक दो मिनट के लिए उसको सोचने का मौका मिलेगा, तो उसको कुछ आइडिया होगा कि वो जो कुछ भी सोच रहा था वो टोटली गलत, या उसके पास तो उनके लिए कोई एविडेंस ही नहीं थी, एविडेंस थे तो वो इतने कम थे कि वो एविडेंस का होना ना होना एक जैसा. फिर है कि हाउ कैन आई टेस्ट माई अजम्पशन बिलीफ टू फाइंड आउट इट दे आर एक्यूरेट, फिर उसको वो टेस्ट करेगा किसी किसी ना किसी तरह से. फिर वो अपने कोई ना कोई फ्रेंड्स अपने ढूंढेगा जिनके साथ वो बात कर सके, जो कि उसके बारे में कोई राय दे सकें कि जो वो सोच रहा है वो ठीक है या गलत है. और फिर वो सोचेगा कि जो वो थिंकिंग है, जो भी उसका बिलीफ है, कि क्या ये बिलीफ उसके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं, या उसके लिए नुकसानदेह है. और फिर उसके बारे में सोचेगा कि क्या यहाँ पे अदर वेज हैं कि अगर उसी स्पेसिफिक सिचुएशन को वो किसी और तरीकों से सोच सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर और कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू वो उनको सोच सकता है. बच्चों आप जरा अपनी स्क्रीन पे इस तरह की हरकतें बंद करके पढ़ लें. और इसके अलावा ये है कि आप मतलब वो जो सिचुएशन है, मतलब सिचुएशन आपके इस बिलीफ में कंट्रीब्यूट कर भी रही थी या नहीं कर रही थी. कई दफा हमें लग रहा होता है ना कि हम जो चीज सोच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सिचुएशन एक्चुअली एग्जैक्टली वैसी होती नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक आप कह सकते हैं कि खराबी होती. फिर इसी तरह है कि आप उस सिचुएशन में या उस बिलीफ को ब्लेम करना, सिर्फ आपके खुद को ब्लेम करना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब हो सकता है कि आप उस सिचुएशन के जिम्मेदार हो ही ना, या हो सकता है कि कोई और पर्सन उस सिचुएशन का किसी ना किसी तरह से जिम्मेदार हो. फिर वो अपने बारे में ये, मतलब ये सारी जो वर्कशीट है ना, ये आपने क्लाइंट को जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है, ये बातें आपने क्लाइंट को एज अ होमवर्क देनी है, कि अपने आप से पूछेगा कि कहीं वो ओवर जनरलाइज तो नहीं कर रहा, कहीं वो सिर्फ अजम्पशंस तो नहीं बना रहा, क्या उसके फ्रेंड भी वैसा ही सोच रहे हैं, कहीं वो इन चीजों को मतलब ग्रे, मतलब जैसे अगर आपको अगर टीवी या स्क्रीन जो है वो अच्छी तरह से नजर ना आ रही हो, ब्लैक ब्लैक नजर आने लग जाए या ग्रे नजर आने लग जाए, यानी कि आप बाकी सारे कलरफुल इवेंट्स को छोड़ के या बाकी सारी अच्छी चीजों को छोड़ के अपनी लाइफ में सिर्फ कुछ ग्रे शेडेड चीजों पे ज्यादा फोकस तो नहीं कर रहे. इसके बारे में सोचेंगे कि आप कहीं ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ पर्सनली खुद को कहते रहते हैं, क्या लोग भी आपके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे. तो इस तरह से या ये वो तरीके हैं, ये वो मेथड हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे कि आपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को किस किस तरह से एक्चुअली अलग कर देगा. ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? BS 8. तो मैम अगर वो ये सोचता हो कि लोग ही मेरे बारे में ये सोचते हैं, अगर उसकी थिंकिंग पैटर्न ही ये हो, तो फिर हम आप उसे काम देंगे कि आप उसे पूछेंगे कि आप ऐसा करें, आपको लगता है ना कि कोई लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो आप एक दफा उन लोगों से बात करके तो देखें, आपको मतलब उसे थोड़ी सी हेजिटेशन होगी, ऑब्वियसली वो नहीं जाना चाहेगा. आप उसे काम देंगे कि चलें आपको लग रहा है कि आपकी मदर आपके बारे में ये सोच रही है, या आपको लग रहा है आपकी बहन आपके बारे में सोच रही है, आप उनसे बात करके ट्राई करें, उन लोगों का व्यू जानने की कोशिश करें. ऑब्वियसली फर्स्ट मीटिंग में या पहले ही सेशन में तो आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ओवरकम होंगी. अच्छा बच्चों, इसके बाद है अब आपके सामने जो सेकंड स्लाइड आ रही होंगी वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और रेशनल थॉट्स, कि आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को अपनी रेशनल थॉट्स के साथ किस किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आप क्लाइंट आपके सामने कुछ बातें बोल रहा होगा ना, आप आहिस्ता आहिस्ता उसके आप कहेंगे, फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट को एक होमवर्क असाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वन लिखा हुआ है कि इफ आई फेल एट समथिंग आई एम अ लूजर. अब ये आपके लिए काम है कि अगर वो इस तरह से सोच रहा है तो वो एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, लेकिन अब उस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को जब आहिस्ता आहिस्ता उसने काम स्टार्ट किया है, उसका वो काम खत्म होना स्टार्ट हुआ है, आपका आपकी थेरेपी बहुत अच्छी तरह से उस पर वर्क कर रही है,
तो अब अपनी उसी सिचुएशन को, अब अपनी उसी स्टेटमेंट को देखें वो कितना मोल्ड वे में नेक्स्ट साइड पे पेश कर रहा है कि फेलिंग एट वन थिंग डजंट मीन आई एम अ फेलियर एट एवरीथिंग. अब ये चीज अगर आप उससे पहले ही दफा में कह देंगे तो वो कभी भी नहीं मानेगा. उसको ये लगेगा कि आप सिर्फ उसका दिल रखने के लिए, या आप तो डॉक्टर हैं और आपका काम तो उसका सिर्फ इलाज करना है, या आपका काम तो सिर्फ उसे ट्रीटमेंट देना है, तो उसे लगेगा कि आप सिर्फ उसे बहला रहे हैं. इसी तरह कभी भी आप चीजों को एकदम से जब आप किसी के सामने कर देते हैं ना कि ये चीज ऐसे करनी है, तो वो चीज की वो उस तरह से आप ये कह लें कि रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, कदर नहीं करेगा. अब जब ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप वो चीजों को खुद फेस करेगा, खुद देखेगा, तो उसके स्टेटमेंट्स ग्रेजुअली खुद चेंज होना स्टार्ट होंगे. यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे एक में उसने लिखा हुआ है आई कैन नेवर डू एनीथिंग राइट. अब जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी थेरेपी वर्क कर रही है तो उसके स्टेटमेंट कितने ज्यादा चेंज होगा. यस आई हैव मेड सम एम्ब्रेसिंग मिस्टेक्स बट आई एम मेक अ गुड डिसीजन मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन हाँ ठीक है, बाज़ूकत हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, या बाज़ूकत मैंने बहुत गलत भी किया, लेकिन मैंने बहुत सी जगहों पर अच्छा भी किया. अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि उसका ध्यान अपनी लाइफ में आने वाली अच्छी चीजों की तरफ भी जाना स्टार्ट हो, कि कैसी चीजें आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए अच्छी भी हो रही. समझ आ रही है बच्चों? BS 8 यस मैम आ रही है. इसमें से आपको यहाँ तक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में से समझ ना आई हो, मैम सारी समझ आ गई है. मैम ऐसे तो सारी आ गई, अब जब हम अप्लाई करेंगे फिर पता चलेगा हमें क्या समझ नहीं आई. जी इंशाल्लाह ताला आप लोग जरूर अप्लाई करेंगे, और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन बच्चों आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है. यहाँ तक अगर आज का हमें मौका दिया तो नहीं, मैं आपको जरूर मौका दूंगी. बस आप कोरोना नहीं देगा ना, आप दे देंगी, लेकिन हम किस पे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह तो नहीं कर सकते ना. आप कभी चले, अगर आप लाइव में बाद में भी कभी अप्लाई करें तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिएगा. आप खुश? बस मैं यही सुनना चाह रही थी. चले जी, मैंने सुना दिया आपको. मैम आपके लिए बड़ा सारा दिल. वैसे बड़ा दिल हो रहा, मैंने तो सुना मेडिकली अच्छा नहीं होता. मुझे पता है कि आप लोग कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे, और मेरा सिखाया चलो बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपको फेस करनी पड़ रही होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंशाल्लाह ताला आप MS करेंगे आगे आपको और भी बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे, वो आपको इससे ज्यादा बहुत अच्छा सिखाएंगे, क्योंकि मेरा सिखाना उनके आगे मतलब ऑब्वियसली इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो खुद अभी स्टूडेंट ही हूँ. लेकिन होप्स हो आपका आगे लाइफ टाइम जो है वो किसी अच्छी जगह पे गुजरे, और आपको कोई बहुत अच्छा गाइड करने वाला भी मिल जाए इंशाल्लाह. आमीन. मैम आप क्या पढ़ रही हैं? बच्चों मैं पढ़ नहीं, मतलब हर बंदा स्टूडेंट ही होता है ना किसी ना किसी टाइम पे. अच्छा मैम सही. मैम मुझे लगा वैसे आप स्टूडेंट हैं. आयशा आज आपने बच्चों को नहीं था पढ़ाना सुबह के? मैम कौन से बच्चे पता नहीं, मुझे कोई कह रहा था कि फर्स्ट कैसलिन है, आयशा बच्चे पढ़ा रही है. मैम पढ़ाती हूँ, लेकिन वो तो 11 बजे आते हैं. मैम मैंने कहा था आयशा बच्चों को पढ़ा रही होगी इसलिए नहीं आई वो. अच्छा अच्छा, लेकिन खैर मैं कोई 11 बजे आपकी क्लास तो नहीं देती. मैम आपने ईद नहीं दी हमें. बच्चों मैं आपको ईद कैसे देती, आप यूनिवर्सिटी होते तो मैं आपको ईद देती. यूनिवर्सिटी तो जाओ आयशा मम्मी, तुम्हें हर चीज की. आप यूनिवर्सिटी आ जाइएगा, मैं आपको जरूर ईद दूंगी. मैम मैम फिर आप नहीं आएंगी? नहीं मैं क्यों नहीं आऊंगी, मैं इंशाल्लाह ताला जरूर आऊंगी. मैंने असाइनमेंट की तरह आपको ईद दी तो थी, बल्कि मैंने तो ईद बहुत पहले ही दे दी थी आपको. वही ना मैम, आपने मुझे तब भी कहा था मैं असाइनमेंट दूंगी, फिर वो ईद ही होगी आपकी. मैम वैसे ईद तो सब दे दी, आप कुछ डिफरेंट दे हमें. चले आप जब आएंगे तो फिर मैं आपको बहुत डिफरेंट दूंगी. बताए क्या डिफरेंट चाहिए थी मैम? हमें ईद में रिपोर्ट देगी मैम, आप हमें ए ग्रेड दे दे, वो हमारी ईद हो जाएगी. चले बच्चे जब आप लोग आएंगे तो अगर हालात सही रहे तो भी मेरी तरफ से आपकी चाय पक्की है. मैम सच्ची? हाँ जी मुच्ची. शुक्र है आयशा कोरोना मैम चाय के साथ समोसे आयशा की तरफ से. नहीं नहीं सब कुछ मेरी तरफ से. आपने जूनियर्स को भी चाय पिलाई थी? जूनियर्स को? जूनियर्स बहन को. आपकी बहन किस क्लास में पढ़ती थी मैम? मैंने नहीं पता.
रबिया तुम्हारी बहन का नाम क्या है? मैम मोस्ट जूनियर है ना मैम, आमना है उसका नाम, उसका फोर्थ सेमेस्टर है और आमना सरवर। आमना सरवर, अच्छा 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 अच्छा, हाँ मैंने पढ़ाया था उनको, जाए भी उनके साथ वो, उन्होंने एक्चुअली मुझे लगा था कि वो भूल भाल गए होंगे, लेकिन उन्हें याद था, फिर मुझे भी याद था। नहीं बच्चों, एक्चुअली मेरी फर्स्ट क्लास थी जिसको मैंने पढ़ाया था। Okay. और पता नहीं किस बात पे मुझे वो बात नहीं याद, पता नहीं किस बात पे मैं मान गई थी कि मैं चाय पिलाऊंगी, उन्होंने वो बात और काम कर भी दिया था। लेकिन आप लोगों को मैं हमारी क्लास तो वैसे ही खाला बन गई है, इनसे मिठाई खाएं आप। ओ हाँ, मैंने देखा था ग्रुप में, बच्चों मुबारक हो आप लोगों को, बहुत खाला भी बन गए, मामू भी बन गए। यस मैम, मैं वो शादी की नहीं खिलाई, उसने तो हमसे मुबारक भी नहीं ली थी, पता नहीं वो कैसी ठूस बंदी है। कहती कौन सा मेरी अकेली की, ये सबकी शादियां होती हैं ना, अभी हम सबकी तो नहीं लगा। अच्छा बच्चों, क्लास हो रही है आपकी एंड, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कल पूछ लीजिएगा। ओके मैम, ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।